एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम फिर एक और बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। ये है इडली बैटर, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा नमक इसमें पहले से ही है। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये चावल और दाल वाला बैटर है, ये सूजी वाला नहीं है। और हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। ये हमने इसको टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसमें हम एक ना बहुत पतली लेयर लगाएंगे। ये देखिए, बस इतनी पतली हम इसमें लेयर लगाएंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए, इडली कुकर में हमने स्टैंड रख दिया है नीचे और ये टिन जो है इसके अंदर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे। पानी हमने डाल ही दिया है, इसको कवर कर देंगे और 10-15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। इडली की तरह ये पक जाना चाहिए। 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर देते हैं। और बहुत अच्छे से ये हमारा जो बैटर है ये बन गया है, अच्छे से तैयार हो गया है। देखिए जैसे हम इडली बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से जाली पड़ी हुई है। तो आइए इसको बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और हमने इसको ना साइड से ऐसे चाकू से कट कर लिया। और ये इस तरह से देखिए निकल गया, बहुत ही पतला है, कोई ज्यादा मोटा नहीं है, जैसे ब्रेड जितना मोटा है। तो अब हम इसके कर लेंगे पीसेस। आप देखिए बिल्कुल फ्लफी बना है, बिल्कुल भी ऐसे चिपक नहीं रहा है। जैसे ठंडा होता है ना तो फिर जाली पड़ जाती है। ठीक है, अब मैं, आप चाहें तो लंबा भी रख सकते हैं इतना बड़ा पीस, लेकिन मैं इसको ऐसे स्क्वायर कर रही हूं। ऐसे हमने इनको कट कर लिया है और अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने 2 उबले आलू को ग्रेट कर लिया है। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाला है, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून रेड चिली है और ये मैंने नमक डाला है स्वाद के अनुसार और 1 पिंच मैंने अमचूर पाउडर डाला है। तो अच्छा हमें ये चटपटा मसाला बनाना है। ये कम ज्यादा आप आलू कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप, मैं बनाऊंगी ना तब आप देखेंगे कि कैसे। ये हमने इमली की मीठी चटनी ली है, ये हमने दही ली है। दही जो है ना थोड़ा पानी वाली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थिक हो ताकि वो ना उस पर रुक जाए। देखिए आप देख रहे हैं ना दही की कंसिस्टेंसी, तो ये ऐसी होनी चाहिए। एक हमने जैसे इडली में तड़का लगाते हैं ना उस तरह का एक तड़का तैयार कर लिया है। 1 चम्मच तेल में कुछ करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स को डालकर एक तड़का बना लिया है। ये देखिए तेल गरम हो गया है, हमने 1 पीस इसमें इस तरह से डाल दिया है। इसी तरह से हम ये सारे पीसेस डाल देंगे और जब तक नीचे से ब्राउन ना हो ना तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं। और देखिए जब ये ऐसा ब्राउन हो जाए ना तब हम इसको निकाल लेंगे। जब ये पीसेस ब्राउन होने शुरू हो जाए ना इस तरह के, तब हम इनको निकाल लेंगे। देखिए टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए बहुत ही यमी ये डिश लगती है। आप किसी को खिलाएंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये कैसे बनाई है, तो आप जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखिए इस टाइप से हम ये सारे पीसेस को निकाल लेते हैं और इसको ना हम ऐसे करके हल्का सा टिश्यू पेपर के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। सभी का हमने निकाल लिया है। तो अब हम इसको असेंबल करते हैं। ये हमने ले लिया है इडली का पीस, ये हमारा आलू का चटपटा मसाला तैयार हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे
आलू का ये मसाला इस तरह से, आलू का मसाला लगा दिया हमने इसके ऊपर। अब हम इस पर डालेंगे ये, हमने इसमें थोड़ा सा 1 पिंच नमक और 2 पिंच के करीब शुगर, पिसी हुई शुगर डाली है। तो हम ये दही इस पर डालेंगे थोड़ा सा, देखिए कितना थिक है, ये बह नहीं रहा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये मीठी चटनी, मीठी चटनी हमने डाल दी है। और सबसे ऊपर हम रखेंगे इसके तड़का, ये जो हमने बनाया है, क्योंकि ये इडली चाट है, इडली की तरह का है, तो तड़का तो बनता है भाई। तो ये हमारी इडली चाट का पीस जो है वो तैयार है। आप बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कितना बढ़िया, कितना यमी ये लग रहा है, और खाने में तो लाजवाब है। तो ऐसे ही हम सारे पीस तैयार कर लेते हैं। अब देखिए लग रहा है ना ये यमी, आप किसी को खिलाएंगे ना वो वाह वाह करेंगे, बहुत टेस्टी, बहुत यमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।